गैडर भी चलते हैं और यूनिट में बैक टू बेसिक्स वगैरह गैडर के चलते रहते, तो आपकी जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, हमेशा याद रखना। आप थर्ड ईयर में आ गए, आपको सब आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, लेकिन आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमेशा जारी रहेगी और आपके उस्ताद पीआई वगैरह आपको सिखाते रहेंगे, आपने सीखते रहना है। अभी उसी से रिलेटेड अभी क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग भी है और आपकी मेंटल ट्रेनिंग भी है, दोनों है। फौजी एक अच्छा वही माना जाएगा या अच्छा कैडेट वही है जो फिजिकली फिट है और मेंटली स्ट्रांग है। ये नहीं, आपका फिजिकल तो बहुत अच्छा है आप, और मेंटल आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मेंटल के लिए आपने रोज़ाना मैथ के सवाल लगाना है जिन बच्चों के मैथ है, और बाकी जो जो भी सब्जेक्ट है आपको उसको पढ़ना है आपने, तो आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। एक बार आप छोड़ दोगे पढ़ाई तो पढ़ाई आपको पहले छोड़ देगी, ये एक बहुत पुराना रूल है। अगर आप विद्या छोड़ेंगे तो विद्या आपको पहले छोड़ेगी, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे अच्छा स्टूडेंट वही है कि आगे क्या पढ़ाया जाए उसको पढ़ के जाए, तो आज क्या पढ़ाया गया उसका रिवीजन करे, ये नहीं कि बस मैंने एक बार पढ़ लिया अब मेरा काम हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है आपका एडम ट्रेनिंग का, एडम में थोड़ा सर्दी बढ़ गई है तो कृपया अपने आप को थोड़ा सा सर्दी से प्रिकॉशंस वगैरह लीजिए, और यहाँ पर मॉस्किटो वगैरह हैं तो मॉस्किटो का